हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 15 पैसे की तेजी देखने को मिल रही है और ये स्टॉक आधे परसेंट से भी ऊपर की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आएंगे और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम इस स्टॉक में टेक्निकल चार्ट पर आए तो कुछ इस प्रकार का चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है, जहां पर इस स्टॉक में पिछले हफ्ते में 6.5% से भी ऊपर की गिरावट देखने को मिली है और एक महीने में ये स्टॉक 10% के पास गिरता हुआ नजर आया। तो इस स्टॉक में देखें तो ऊपरी लेवल से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक में 2 बार बॉटम बनता हुआ नजर आया 20.66 रुपए पर, जहां पर इस स्टॉक में लगातार 2 बार गिरावट देखने को मिली और इस स्टॉक में एक नीचे का बड़ा सपोर्ट लेवल है। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आपको एक स्टॉप लॉस ट्रेड करना चाहिए 16.50 रुपए। 16.50 रुपए से स्टॉक में आपको शॉर्ट टर्म एक स्टॉप लॉस ट्रेड कर सकते हैं और यहाँ से इस बाउंस बैक देखने को मिलता है तो आपको शॉर्ट टर्म टारगेट 17.50 रुपए और सेकेंड टारगेट 18.40 रुपए के देखने को मिलेंगे। इस स्टॉक में बड़े सपोर्ट लेवल की बात करें तो ये 15.50 रुपए का निकल के आता है, जहां पर इस स्टॉक में एक पहले भी का बड़ा बाउंस बैक देखने को मिल चुका है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तो यहाँ का आप एक स्टॉप लॉस ट्रेड कर सकते हैं 15.50 रुपए का और ऊपर के टारगेट 21 रुपए तक के लिए आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।